अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एंड्रॉयड फ़ोन की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में है। जो सेटिंग्स हैं तो बहुत यूज़फुल, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आइए चलते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग को क्लिक करेंगे हम लोग इसके बारे पर। हमारे पास जो सबसे पहली सेटिंग है वो है कि अगर हम लोगों को कोई कॉल करता है और हम लोग स्क्रीन का इस्तेमाल के बगैर अपने साइड्स बटन से, मींस के ऑन एंड ऑफ बटन से और साथ वॉल्यूम के बटन से उनको उस कॉल को एंड करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए ये हम लोगों ने सेटिंग ओपन की हुई है। इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी का, इसको क्लिक करें। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा पावर बटन एंड कॉल। जब आप इसको ऑन करेंगे तो अगर आपको कोई भी कॉल करेगा तो आप उस कॉल को अपने पावर बटन से एंड कर सकते हैं। और बहुत से फ़ोन्स में रिसीव करने का भी ऑप्शन होता है, तो अगर किसी फ़ोन में रिसीव करने का ऑप्शन हो तो रिसीव जो है वो वॉल्यूम बटन से किया जाता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जो हर सेल में अलग अलग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पावर बटन से कॉल को एंड करने का ऑप्शन है, तो हम लोग इसको ऑन कर देंगे। और जब भी हम लोगों को कोई कॉल करेगा तो हम ईज़िली उसको पावर बटन से, अगर वो पिक नहीं करनी तो हम उसको पावर बटन से एंड कर देंगे। लोगों को कोई कॉल करेगा तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो नेक्स्ट सेटिंग हम लोगों की ये है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ ऑन करते हैं तो वो ऑन होने में हमारे पास थोड़ा सा टाइम लगता है। उसका मींस कि अगर किसी भी ऑप्शन को आपने ऑन करना है, जैसे ये सेटिंग इसको ऑन करते हैं तो थोड़ा सा आपके पास टाइम लगेगा हर एक ऑप्शन के ऑन होने में। जैसे अगर हम लोग गूगल ऑन करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हम लोग ऑन कर दें, तो उसका थोड़ा टाइम लगता है ऑन होने में। लेकिन आप क्विकली उसको किस तरह से ऑन कर सकते हैं वो अपने आपके मोबाइल की स्पीड पर डिपेंड करता है। आपने यहाँ पर कौन सी स्पीड सेट की हुई है उस हिसाब से, जितनी ज़्यादा आप स्पीड सेट करेंगे उतने ही हिसाब से आपकी कोई भी ऑप्शन, कोई भी चीज़ ऑन होने में उतना ही टाइम लगाएगी। तो ये बिल्कुल क्विकली ऑन हो रहा है, आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ हम लोगों ने ऑन किया तो उसको एकदम से ऑफ़ करना और ऑन करना, ये सब कुछ क्विकली हो रहा है। तो ये किस तरह से होता है, तो हम लोग चलते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर जो है वो डेवलपर ऑप्शन होता है एक, वो बहुत से सेल में डेवलपर ऑप्शन सामने नहीं होता, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं यहाँ सिस्टम के अंदर। सिस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर आएँ तो ये हमारे पास डेवलपर ऑप्शन शो हो रहा है, इसको ओपन करें। यहाँ पर आने के बाद बहुत से ऐसे सेटिंग्स होती हैं जो हमारे डेवलपर ऑप्शन के अंदर हाइड होती हैं, तो और डेवलपर ऑप्शन भी हमारे पास जो है वो विजिबल नहीं होता, उसको हम लोगों ने पहले बाहर निकालना होता है और फिर उसके बाद कोई भी जो सेटिंग करनी है वो डेवलपर ऑप्शन के अंदर से ही करनी होती है। तो यहाँ पर नीचे आ जाएं, यहाँ हम लोगों को लिखा है द विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। मीन अगर आप कोई भी चीज़ ऑन करते हैं उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ आपके पास ऑन हो, उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये देखें एनिमेशंस, हर चीज़ पर एनिमेशंस होती हैं, तो उस एनिमेशंस का टाइम आप ऑफ भी कर सकते हैं अपनी मदद से। ये मैंने 0.5x किया हुआ है, तो हमारे सेल में ज़्यादातर जो है वो एनिमेशन स्केल 1x होती है या फिर 1.5x होती है, कुछ भी होती है। तो यहाँ से जो तीनों ऑप्शंस हैं इसको आपने 0.5x पर सेट करना है, और इसके बाद आप जब भी कोई चीज़ ऑन या ऑफ करेंगे तो वो क्विकली आपके पास इस तरह से ऑन और ऑफ होगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग की नेक्स्ट सेटिंग ये है कि अगर हम लोग कोई गेम वगैरह खेलते हैं और जब गेम खेलते हैं और आपका सेल जो है वो ज़्यादा हैंग वगैरह होता है, मींस के जो गेम खेलने से आपकी सीपीयू पर ज़्यादा लोड पड़ता है, तो उस लोड को कैसे कम किया जा सकता है। आप गेम के दौरान अपने सीपीयू से लोड ख़त्म करके अपना तमाम चीज़ें जो चल रही हैं उसको जीपीयू पर डाल सकते हैं। जीपीयू पर डालने के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस तो ये हैं कि आपका सेल जो है वो हैंग वगैरह नहीं होगा और ज़्यादा लोड आपके सीपीयू पर नहीं पड़ेगा, जिससे उसका डैमेज होने का खतरा कम होता है। और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर आप जीपीयू पर डाल देते हैं तो इसलिए आपकी बैटरी जो है सेल की वो ज़्यादा लगती है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने दोनों आपको बता दिए। अब चलते हैं कि किस तरह से इसको जीपीयू पर डालना है, उसके लिए सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ हम लोग डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, तो डेवलपर ऑप्शन हम लोगों को यहाँ सिस्टम के अंदर मिलेगा, इसको क्लिक करें। यहाँ नीचे आएँ तो ये है डेवलपर ऑप्शन, इस पर क्लिक करें।
और ये देखे बहुत सी सेटिंग्स है यहाँ पर, तो इसलिए हमारे जो सेल की ज़्यादा सेटिंग्स है वो डेवलपर ऑप्शन के अंदर हाइड होती हैं और डेवलपर ऑप्शन भी विजिबल नहीं होता, इसको बाहर निकालना पड़ता है। तो मैं आपको वो नेक्स्ट बताती हूँ कि वो किस तरह उसको बाहर निकालेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि GPU रेंडरिंग पर किस तरह से डालना है। तो ये देखिए आप, हमारे पास ये ऑप्शन डेवलपर ऑप्शन के अंदर फॉर GPU रेंडरिंग, तो आप अपनी गेम खेलते हुए इसको ऑन कर सकते हैं ताकि आपके CPU पर ज़्यादा लोड ना पड़े और जो आपकी बाकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा GPU पर ही चलें। लेकिन डिसएडवांटेजेस, आपकी जो बैटरी है वो इससे ज़्यादा लगेगी की चीज़ें हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों की जो लास्ट और फाइनल सेटिंग्स है वह ये है कि डेवलपर ऑप्शन तो इनविजिबल है, लेकिन उसको विजिबल कैसे करते हैं ताकि हम लोग अपने जो सारी सेटिंग्स है वो उसके अंदर से ही कर सकें, तो उसको कैसे विजिबल करेंगे इसके लिए चलते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद यहाँ नीचे आएँ तो ये हम लोगों का सिस्टम है, सिस्टम पर क्लिक करें। सिस्टम पर क्लिक करने के बाद एंड पर अबाउट फ़ोन है, अबाउट फ़ोन पर क्लिक करें और यहाँ पर लिखा है एक बिल्ड नंबर। जब हम बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो हमारा डेवलपर ऑप्शन बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको 7 दफ़ा करना है। तो ये हम लोग कह रहे हैं नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, तो मीन्स के इस पर टैप करने से हमारा डेवलपर ऑप्शन बाहर आता है। तो ये हम लोग को कह रहे हैं कि आपको नीड नहीं है बिकॉज आपका डेवलपर ऑप्शन पहले से ही विजिबल है। तो इस तरह से आप अपना डेवलपर ऑप्शन विजिबल कर सकते हैं और बहुत सी अपनी सेल की सेटिंग्स उसके अंदर से ही कर सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल हैं। थैंक यू। डेवलपर ऑप्शन